भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी के विभिन्न कार्यालयों का राजस्थान में उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्य योजना जिस पर कार्य किया जा रहा है वह पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की थी और आज तक देश में 227 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष का सपना था कि देश के हर जिले में एक बीजेपी का कार्यालय हो और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज ये डिजिटल वर्ल्ड के कारण हम एक स्थान से 10 कार्यालयों का श्री गणेश कर रहे हैं और साथ ही साथ 4 स्थानों पर भूमि पूजन कर रहे हैं। सच मायने में मानिए तो यह हम सब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक उत्सव का अवसर है, उत्सव का अवसर है। यह हमारे लिए उत्सव है। आप कल्पना कीजिए कि आज 10 स्थानों पर ऐसे भव्य मंदिर हमारे कार्यालय खड़े हो रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय की कल्पना हमारे से पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने रखी थी और उन्होंने कहा था कि हर जिले में कार्यालय होना चाहिए। उसी कल्पना को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और उस कल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई और आज मुझे खुशी है कि देश में 512 कार्यालय बनना अभी प्रस्तावित हुआ है, जिसमें 227 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें आपका भी 10 कार्यालय हैं और कंस्ट्रक्शन का काम 153 कार्यालय में चल रहा है। ये कल्पना अमित शाह जी ने की थी और इसको हम पूरा करने के लिए हमारे सांसद और महामंत्री अरुण सिंह जी पूरी ताकत से लगे हैं और इस कल्पना को पूरा कर रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय आधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित कार्यालय है। यह कार्यालय में जहां कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां मीटिंग के लिए हॉल है, जहां ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया सेंटर है, जहां अध्यक्ष के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, ऐसा एक आधुनिकतम कार्यालय बनाना जो तय किया था उन्होंने, आज उसको हम कार्य रूप दे रहे हैं और उसी कड़ी में 10 कार्यालय आज राजस्थान को समर्पित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ दौसा में, प्रतापगढ़ में, बरान में और चूरू में शिलान्यास हो रहा है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द आप लोग वहां भी तीव्र गति से कार्यालय बनाएंगे और राजस्थान को कार्यालय से युक्त रखेंगे, ताकत के साथ खड़े होंगे। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। ये मैं बार बार शब्द कार्यालय क्यों कह रहा हूं, मैं ऑफिस क्यों नहीं कहता? ऑफिस इसलिए नहीं कहता क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है और कार्यालय ऐसा होता है जिसका पट कभी भी बंद नहीं होता, 2400 घंटा 365 दिन खुला रहता है। उसको हम कार्य करने का स्थान कार्यालय के रूप में जानते हैं। यह कार्यालय ऊर्जा का केंद्र होता है, यह कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, यह कार्यालय हमारे को एक नई चेतना देने का, एक संस्कार देने का कार्यालय होता है। मैं जब युवा था तो मेरे से लोग पूछा करते थे ये बीजेपी क्या होती है, ये कैसी पार्टी है, तो मैं उनको कहता था खाली हो? बोले हाँ खाली है, तो कार्यालय आ जाओ। बोला कार्यालय क्यों? मैंने कहा कार्यालय आओगे तो तुमको वहां पर 20 महान लोगों के जिन्होंने पार्टी को समर्पित किया उनके आपको चित्र दिखने को मिलेंगे। आप फिर मेरे से प्रश्न करोगे ये कौन है, ये क्या नाम है इनका, फिर मैं आपको उनका इतिहास बताऊंगा, फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया जिसके कारण आज तुम और हम यहां पर यशस्वी होकर के बैठे। ये कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है, योजनाओं का केंद्र होता है,
योजनाओं को क्रियान्वित करने का ये केंद्र होता है, इसको हमको इस तरीके से देखना चाहिए। और पार्टी हमारी माँ है, उसके काम करने का जो स्थान है वो कार्यालय है। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप मोर्चा संभाल लो, एक एक बूथ संभाल लो, ये कार्यालय आपको मुबारक है, यहां यंत्रणा करो, योजना बनाओ और प्रजातांत्रिक तरीके से ऐसे लोगों को घर पे बिठा दो और काम करने वालों को काम दो, इस बात को हमको लेकर के चलना। इस मंच के माध्यम से जो हमारे सभी 44 स्थानों पर हमारे 44 जो संगठनात्मक जिले हैं, फेस लाइफ से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता सभी नेताओं को इस उत्सव की घड़ी पर उनको बधाई देता हूं, और आप आगे बढ़े इस शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।